ंग स्मैकडाउन वॉज बैड आई गेस रीजन ये भी था कि जो ये स्मैकडाउन था इसका रिजल्ट पहले ही लीक हो गया था क्योंकि ये टेब्ड स्मैकडाउन थी यानी कि इसका जो सब कुछ था वो पिछले हफ्ते ही रिकॉर्ड हो गया था यानी कि पिछले हफ्ते की ऑडियंस को डबल डबल स्मैकडाउन देखने को मिली दे मस्ट भी लकी बट लाइक ड्रू मैक इन टायर वर्सेज सैमिजेन के मैथ से स्टार्ट करना शो कि हाँ आप शो को अच्छा बनाना चाहते हो बट बाय दायस्ट्रॉय भी करना चाहते होट दे आर क्रिएटिंग स्टील केज मैच वॉज ए वेरी गुड मैच एंड एक एक मैच आया था रॉयल रंबल टू थाउजेंड ट्वेंटी से पहले दिसंबर के आसपास और वो ऐसा मैच था सिंगल्स मैच था रेगुलर मैच था उस मैच ने मेरे को बता दिया था कि ये बंदा रॉयल रंबल जीतने वाला है एंड एंड दिस दिस राइट हियर इज इज द मैच जिसने मेरे को ये बताया है कि रोमन चैंपियनशिप टू ड्रू मैक हो सकता है कि इस बार मैं गलत हूं और बहुत अच्छे से गलत हो सकता हूं बिकॉज लाइक रोमन रेंस इज जस्ट ऑन अनदर लेवल तो बट uh, हाँ मैं ये रिस्क लेने को लेने ले, 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 ले के लिए ले भी तैयार हूं रिएक्शन वॉज क्रेजी आई मीन सेन तो मतलब पिंजरे से बाहर ही आना चाह रहे थे यू नो ऑल एलिट रेसलिंग फैंस को ये देखकर मजा आ रहा होगा बिकॉज हम लोगों को तो ये दिख रहा था कि अबे सैमी जेन कितना डर पा गया पिंजरे से बाहर आ रहा है मीन वाइल ऑल एलिट रेसलिंग फैंस इसको ऐसे परसीव कर रहे थे अरे अरे बेचारा सैमी जेन पिंजरे में बंद है प्रिजन में बंद है उसको बाहर आना है लेकिन आने नहीं दे रही डब्ल्यू डब्ल्यू <laughs> <laughs> तो देखो सबका अलग अलग परसेप्शन होता है क्या कह सकते हैं बट मैक का जो रिएक्शन मिला उसको आई थिंक जो यूके का उनका पेपर व्यू आने वाला है बाय द वे क्लैश क्या क्लैश ऑफ ओके नहीं क्लैश ऑफ द कासल करके पेपर व्यू आने है, आने वाला यूके में आई एम प्रोर कि वो ड्रू मैक टायर से ही हेडलाइन करने वाला है टाइसन फ्यूरी भी यू नो ड्रू मैक टायर के साथ कुछ कॉन्फ्रेंटेशन में थे उन्होंने ड्रूमैक टायर की बात करी थी तो हम भले ही रोमन रेस वर्सेज मैक इन टायर एक्सपेक्ट कर रहे हैं टाइसन फ्यूरी वर्सेज टायर मैच हैपनिंग एट कैसल

एंड वही मैड कैप मॉस को रिएक्शन दिलाने के लिए मैड कैप मॉस फुल हथौड़ा वथौड़ा लेके गार्ड के रूप में ही बैठा हुआ था और वो आके कॉर्बिन को बजाने लगता है आज मेरे को लगता है कि उतना ज्यादा रिएक्शन नहीं मिला बट अगेन ये क्राउड वही क्राउड है जिस जो ऑलरेडी एक स्मैकडाउन देख चुकी थी तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट मच वेन इट कम्स टू क्राउड रिएक्शन बट अदरवाइज कॉर्बिन वर्सेज मैड कैप मॉस आई नेवर न्यू कि मैं इतना एक्साइटेड रहने वाला हूँ इस मैच के लिए तो आई थिंक ये दैट सेगमेंट वॉज कूल टू और फिर हमें वुमेन्स डिवीजन के मैचेस काफी देखने को मिले आज बाय द वे सबसे पहले तो लाइक रकेल, रकेल रोड रिग्वेज का डेब्यू क्योंकि रकेल रकेजाज का इन्होंने नाम ही चेंज कर दिया उन्होंने कहा गोंस हमसे नहीं बोला जाला तुम रोड दे दो वो ज्यादा अच्छा रहेगा तो रकेल रोडरीग्वेश रोडरीग्वेश आएगी आई थिंक डेब्यू था उनका और बहुत अच्छा डोमिनेंस दिखाया बट अगेन दिस वॉज नॉट द रेक्वेल जो कि हम एनएक्सटी में देखते थे अगर ये चल गई तो ठीक है अदरवाइज इसमें कैरेक्टर की बहुत जरूरत पड़ने वाली है दैट इज फॉर श्योर श्योरसो रिकेज शैंकी के बीच आईसी टाइटल के लिए मैच देखने

बस करिए जलवे वे नदी मेरे को सही में लगा था कि वो रैप करने वाला बस करिए जलवे नदी का ये सब मैं वो देख चुका है यो यो शेंकी सिंह मैं क्या करूँ भाई वही वो, वो बंदे ने हमको रैप स्किल्स अपनी दिखा दी है तो फिर मैं अपने उस दिमाग से कैसे निकाल सकता हूँ उस रैपिंग स्किल्स को तो लाइक दैट वॉज इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट बट बट ये शायद सिर्फ हम लोगों के लिए था जो भी सुबह सुबह उठाता कि यार तुमको थोड़ा इंडियन फ्लेवर भी देखना है ना देख लो और उसमें थोड़ी अब हिंदी लैंग्वेज भी यूज कर लेंगे ताकि आप लोगों को भी समझ में आए आप लोगों को भी लगे कि डब्ल्यू तुम्हारे लिए भी है अच्छा इतना ही है तो भाई साहब ट्विटर और यूट्यूब पे हमारे लिए जो वीडियो अवेलेबल नहीं होती उसे अवेलेबल करवा दो है मर्चेंडाइज की डील नहीं है वो दिलवा दो इंडिया में कुछ तो करते नहीं है ड्रामे करने लग जाते हो बट मैं उसका सेगमेंट आया था आर के ब्रो एंड वॉज गुड एनो बट मैं क्या सोच रहा था कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग थी तो मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कभी लाइक जिंदगी में कभी कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए आए है, है तो <laughs> सोच रहा था उसी टाइम पर रैंडी ओटन ने बुरा भला बोल दिया जिमी ऊसो कोसो like, को नहीं बोलना रहता जिमी ऊसो का भी किसी ने अगर डीवाई अरेस्ट की वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना बड़ी फनी है भाई मतलब जिमी उसो को नशे में पकड़ा गया है ना लेकिन जो पुलिस ऑफिसर था वो जानता था जिमी उसो को तो कि भाई देखो इस बार मैं तुम्हें पकड़ना नहीं चाहता इस बार मैं तुम्हें जाने देता हूँ फुल वीडियो वीडियो रिकॉर्ड सब हो रही थी तो जिमी को लगा कि यार ये तो अजीब है भाई तुम अपना काम करो तुम हमें अरेस्ट करो तुम टेस्ट वेस्ट लो सब करो तो फिर टेस्ट वेस्ट लिया ऑफ कोर्स फेल तो होना ही था और फिर अरेस्ट होके गया दैट वाज जिमी उ तो इसीलिए जिमी उ की बेज होती हुई जे ऊसो की नहीं हुई और जिमी ऊसो ने फिर अटैक कर दिया जिसके चलते कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ बट रोमन रेंज की एंट्री फुल वी एंट्री एंड रोमन रेंज की एंट्री में पता नहीं क्या वाइब्स है कि हर कोई खड़ा हो जाता है और वो घूस देता है जैसी ट्यून बजती है वैसे ही हर कोई खड़ा हो के। फिर करने के के लिए लिए सेल्फी लेने कुछ भी करने के लिए खड़े होते हैं सोचा था कि डार्क सेगमेंट है वो डार्क सेगमेंट नहीं था वो एक्चुअली में स्मैकडाउन के टेपिंग थे जिसमें उठा के पट लाइक रोमन रेंस को फुल डिग्री उठा के फेंका है ड्रू मैक ने एंड इट इज नॉट इवन ए चैलेंजर अभी तक चैलेंजर डिसाइड नहीं है बट नाउ जस्ट फॉर दैट मूव आई वुड हैव कि वु हाँ भैया इस बंदे को दो चैंपियनशिप के लिए मैच ठीक है ना बट अभी के लिए क्या अनाउंस हुआ रसलमी ने बैक के लिए कि वो यूनिफिकेशन मैच नहीं होगा अब होगा सिक्स मैन टैग मैच ऑफकोर्स रोमन रेंस एंड ड्रू ड्रूमैक एड जाएंगे अपनी अपनी टीम के लिए नाउ दैट वॉज एकर ये 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 तो इंटरेस्टिंग था था नहीं पता था कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ मतलब साइन नहीं हुआ तो छोड़ो रोमन रेंस तक फाड़ फूड के, के करी थी नाउ यू डोंट वांट दैट टू बिकॉज पिछले कुछ हफ्तों से रोमन रेंस का ट्रस्ट कहीं ना कहीं उस पर दिख रहा था कि ये बंदे हार जाएंगे भाई, that is incredible. ये मेरे को पता है उस पे नहीं हुआ, हुआ अभी अभी बोलते-बोलते कि तो के लिए मैं हूँ, because जब भरोसा ना हो अपने भाई पर तब देखो क्या होता है ऑल्सो मैचेस भी देखने को मिले थे लाइक like, शाइना बेजर एंड न्योमी का मैच था यू you नो know, uh, शेमस और रिज हॉलैंड इन दोनों के भी मैचेस आए थे बाय बाय नेक्स्ट वीक टेबल्स मैच देखने को मिलेगा न्यू डे एंड शेमस एंड रिज हॉलैंड के बीच एंड देन फाइनली कम्स द बीट द क्लॉक चैलेंज जिसमें हमें पता ही नहीं था कि कैसे होने वाला है देन पता चला कि दोनों शार्लट एंड रॉन्डा रॉजी अपने अपने एक अपोनेंट से You know, कि कौन कम टाइम में हराएगा उसकी सुप्रीमसी दिखेगी मीन वाइल सोच रही है एक, एक के के हमा, हमारी कुर्बानी ऑफ स्मैकडाउन दैट मीनस स्मैकडाउन बट अगेन आई नॉट सही दैट बिकॉज एटलीस्ट मैक इन टायर वर्सेज सेमी जेन से लेके मैक इन टायर का जो सेगमेंट था कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाला

स्ट्रिक्ट हो रहा इट कम्स टू स्मैकडाउन और वो होना पड़ेगा। कोर्स तो, मैं चाहूंगा कि स्मैकडाउन बेटर हो उससे एनीवेज अपने थॉट्स डेफिनेटली अपना रिव्यू लिख के बताना स्मैकडाउन के बारे में या फिर कोई चीज पसंद आई हो या नहीं आई हो

this course is the arc